हरियाणा और राजस्थान के बाद कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। वाड्रा पर हथियार डीलर से कथित संपत्ति खरीदने का आरोप लगा है, जिस पर हो रही राजनीति के बीच अब सोनिया गांधी वाड्रा के बचाव में उतर आई हैं। देखिए एक रिपोर्ट। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही वाड्रा की सास यानी कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी उनके बचाव में उतर आई हैं। सोनिया ने आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया है। सोनिया ने कहा कि पीएम शहंशाह नहीं है। वाड्रा के खिलाफ साजिश रचकर बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत का के षड्यंत्र का एक बार बार रोज रोज नया किसान नया कदम उठाता है। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ ना कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी। तो सुना आपने, सोनिया गांधी ने वाड्रा का समर्थन करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल वाड्रा पर एक हथियार डीलर से लंदन में बेनामी संपत्ति मिलने का आरोप है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय उस जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है, जिसके मुताबिक 2009 में हथियारों के सौदेबाज ने वाड्रा को घर खरीद कर दिया। इस घर का पता है 12 एलर्टन हाउस ब्रांसटन स्क्वायर लंदन। वित्त मंत्रालय वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा के बीच भेजे गए ईमेल की भी जांच कर रहा है। इस ईमेल में लेन देन और लंदन के घर के रेनोवेशन से जुड़ी बातें हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घर को 19 लाख पाउंड यानी करीब 19 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ये सौदा अक्टूबर 2009 में हुआ और जून 2010 में इसे बेच दिया गया। खुलासे के बाद इस मामले में रक्षा सौदेबाज संजय भंडारी से पूछताछ हो रही है। संजय भंडारी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस कंपनी के मालिक हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट ने 2014 में उनसे संबंधित डील पर सवाल उठाए और रक्षा मंत्रालय को भंडारी से दूर रहने की सलाह दी थी। वहीं बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर वाड्रा के खिलाफ जांच की मांग की है। हालांकि कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वैसे अगस्ता घोटाले के बाद अब वाड्रा पर लगे गंभीर आरोपों ने एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने ला दिया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होता है और कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है। देखते रहिए डीबी लाइव।